के पूरे केस में जिसमें कोर्ट के कंटेम्प्ट का हमको हमारे ऊपर केस डाला गया उस पर आज पूरी बहस हुई और हमारे तरफ से ये बात जो हमने एफिडेविट में पहले भी कही है आज हमने डिटेल में वो सारी बातें रखी। हमने ये बात स्पष्ट रूप से माननीय कोर्ट को कहा कि जिस केस में ये हमारे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा रहे हैं उसका उस केस का सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल ही मॉनिटरिंग कमेटी ने लॉ वायलेट किया है, किसी भी तरह से वो इसको अपनी पब्लिसिटी के लिए कि दिल्ली को कैसे दिल्ली के लोगों को हम टेररिज करें इसके लिए हमको उन्होंने मॉनिटरिंग कमेटी ने गलत ढंग से हमें इस माननीय सुप्रीम कोर्ट में बुलाया है जो कि ये बनता ही नहीं है। माननीय न्यायमूर्ति गण ने हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनी। हमने ये भी कहा कि मॉनिटरिंग कमेटी जो 1,00,000 रुपए जमा करो वो अनरिफंडेबल है तब हम किसी का सील गलत हुआ या सही हुआ ये समझेंगे। हमने इसका आज भी विरोध किया। हमने स्पष्ट रूप से माननीय कोर्ट को कहा कि आपके सामने एक एग्जाम्पल है जो गोकलपुरी में जो सील हुआ था जो प्रिमाइज उसको 39,000 दे करके उस व्यक्ति ने खुलवा लिया तो हमने माननीय कोर्ट के समक्ष यह स्पष्ट दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों का दर्द रखा कि 39,000 रुपए जिसका पूरा चार्ज होता है अगर उसको हम लीगली कराना चाहें उसमें आप बोलते हो 1,00,000 रुपया दोगे तो हम सुनेंगे। ये बिल्कुल ही अनजस्टिस है। ये लॉ को ना मिलने का ना देने का एक बहाना है। इसको भी हमने माननीय कोर्ट के समक्ष कहा। हमने एक बहुत प्रमुखता से बात कही कि अगर मॉनिटरिंग कमेटी इस केस को सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए और टेररिज करने के लिए डर दिखाने के लिए दिल्ली के लोगों को कि हम जो कर रहे हैं उसमें लॉ की बात मत करो वरना हम तुम्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट में ले आएंगे ऐसा डर दिखाने का काम किया है जो कि एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां उनका ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनता है। तो मॉनिटरिंग कमेटी ज्यूरिसडिक्शन के अलावे काम कर रही है। मॉनिटरिंग कमेटी लॉ को वायलेट कर रही है। हम इस बात को आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे। हमने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया कि जाफराबाद में एक दिन सीलिंग हुई, सीलिंग करने वाले पदाधिकारी मारे गए, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा गया और सील तुरंत तोड़ दी गई, लेकिन उस केस की रिपोर्टिंग भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को नहीं की गई मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा। हमने इस बात को आज माननीय कोर्ट के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा और माननीय कोर्ट ने इस पे गंभीरता दिखाते हुए उन्होंने कल इसकी फुटेज मांगी है, एफिडेविट हम दे रहे हैं कल जमा करने के लिए हमने कहा है। ये बहुत ही चिंता करने वाला और मॉनिटरिंग कमेटी के अनलॉफुल एक्ट का एक एग्जाम्पल है बड़ा बड़ा। हमने इसी दिल्ली के यमुना जी की छाती पे जो फर्स्ट डे से मैं कह रहा हूं मैंने ये भी कहा कि आखिर मॉनिटरिंग कमेटी ने वो कौन सी ऐसी उसकी डील है कि वो ओखला में नोटिस नहीं देती, बाटला में नोटिस नहीं देती, नूर नगर शाहीन नगर इन इलाकों में नोटिस भी नहीं देती और बाकी जगह पे वो ऐसा एक्ट करती है कि लोगों का सर भी तोड़ती है। ये कौन सा रूल है माननीय न्यायमूर्ति के समक्ष हमने ये भी कहा और ये बात हमने फर्स्ट डे से दे रखी है। हमने अनऑथराइज कॉलोनी में संसद ने कानून बनाया है कि 2020 तक आप अनऑथराइज कॉलोनी में कोई एक्शन नहीं लेंगे, सबको लीगलाइज करने की कोशिश करेंगे। इसके बावजूद भी मॉनिटरिंग कमेटी ने अनऑथराइज कॉलोनी में ये काम क्यों किया। तो ये सारी चीजें आज हमने माननीय कोर्ट के समक्ष रखी है। कई ऐसी चीजें जो हमको लाइन बाय लाइन अभी याद नहीं है लेकिन एक सवाल के जवाब में जैसे जब ये बात हुई कि क्योंकि मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मैंने मुझे सील क्यों तोड़नी पड़ी
क्योंकि वहां पे 1500-2000 की मौत थी, लोग परेशानी में थे, लोग बता रहे थे, और मैंने उसका उतने देर में उसकी कुछ कागज भी चेक किए। आपको बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जो गोकुलपुर में सील किया गया, न तो उसका कोई सीलिंग ऑर्डर है और न तो उसका कोई सीलिंग नोटिस है। इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है, जो वहां के पदाधिकारी एडीएमसी के वो लिखते हैं, कि चूंकि मेरे साथ पुलिस चल रही थी इसलिए मैंने देखा कि वो इलीगल है, मैंने सील कर दिया। आज हमने माननीय न्यायमूर्ति के समक्ष ये बात रखी कि क्या आपके साथ पुलिस है तो आप कोई भी सील कर देंगे, इज दिस रूल ऑफ लॉ? और माननीय न्यायमूर्तिगण इस प्रश्न पे बहुत ही चिंतित थे। एक प्रश्न के जवाब में कि क्या मॉब का रूल होगा, हमने स्पष्ट किया कि हम प्रतिनिधि हैं। यहाँ जो लोग रो रहे, यहाँ जो लोग, आप लोग जो माननीय न्यायमूर्तिगण हैं, मैंने ये बात कही कि इस कोजी एनवायरनमेंट में सब तो नहीं आ सकता, हम प्रतिनिधि हैं, हमारे पास जनता रोज आती है और हमें उसका तुरंत कुछ न कुछ जवाब देना पड़ता है। और जो इस तरह से इलीगल लॉ वायलेट करने वाले चीजों को, मुझे भी विश्वास है भारत की न्याय व्यवस्था दुनिया की सबसे अच्छी न्याय व्यवस्था है, और हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट कभी भी ऐसे इलीगल एक्ट को समर्थन नहीं दे सकता, ये हमारा पूरा विश्वास है। लेकिन कुछ लोग जो अपनी किसी न किसी पूर्वाग्रह के कारण, अपने किसी न किसी मन के दोष के कारण हमारे न्याय व्यवस्था को जो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, उनके ऊपर सजा भी होनी चाहिए, उनको नोटिस भी दी जानी चाहिए, ये भी हमने माननीय न्यायमूर्ति जी से कहा है। सब कुछ मिला करके अब ऑर्डर जैसा मुझे कहा गया कि रिजर्व कर लिया गया है, हमें पूरा विश्वास है इस केस में दिल्ली के लोगों के साथ, हम सभी के साथ न्याय। थैंक यू।